लोग उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है, बजाय उनके जिन्हें उन्होंने देखा है। वो सिनेमा जाते हैं, जो भी ये रजनीकांत या टॉम क्रूज या अमिताभ बच्चन, वो बहुत बड़े आदमी हैं और लोग उनसे अपने बगल में बैठे लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो सब बढ़ाकर दिखाया है ना, क्योंकि ये इतना एग्जैजरेटेड है, वो आदमी इतना बड़ा है, वो इतना ऊंचा बोलता है और हर चीज जो वो करते हैं वो बड़ी है। आपके बगल में बैठे लोग उतने बड़े नहीं दिखते, वो इतना ऊंचा नहीं बोल सकते, वो इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो भ्रम एक एग्जैजरेटेड वास्तविकता है, इसके कारण वो वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली चीज बन सकती है। लेकिन एक बार आप उड़कर भ्रम की स्थिति में जाते हैं, आप पागलपन के खतरे पर होते हैं। आप अपने मन की मूलभूत स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो आप वापस भी नहीं आ सकते। अगर आप यहां बैठकर दो मिनट के लिए कुछ मजेदार सपना देखकर वापस आ सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन आपने सपना देखना शुरू किया और आपको पता नहीं कि कहां रुकना है, फिर पागलपन है ना? तो एक बहुत स्थिर शरीर और मन कायम करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करना चाहते हैं। हमें जानना चाहिए कि क्या कल्पना है और क्या नहीं। इसके लिए एक बहुत ज्यादा फोकस, स्थिरता की जरूरत है। अब ये सरल चीज जो आप कर रहे हैं कि जागरूकता में इस तरह जम जाते हैं और आपके पीछे आता हुआ दूसरा काल्पनिक दृश्य बनाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक मेहनत चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ ये पक्का करना कि आपकी सांस सामान्य से थोड़ी गहरी हो, बहुत मानसिक मेहनत चाहिए। अगर आप अपने मन को इस तरह इस्तेमाल करते रहे तो मन बहुत स्थिर आधार बन जाता है। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ये अपने आप में एक ठोस आधार है। तंत्र की पूरी प्रणाली ऐसी है कि आप फिर उत्पन्न करते हैं। अगर आप ये गुलाब की पंखुड़ी लें, मेरे ख्याल से हमने आपको इसके बारे में बताया है ना, बस इस गुलाब की पंखुड़ी को लीजिए, इसे जितना संभव हो उतने ध्यान से देखिए, अपने मन में उसे फिर से बनाइए। अगर आप चाहें तो आप गुलाब की पंखुड़ी आसमान से नीचे गिरा सकते हैं। आपने इतनी डिटेल से देखा है, आपने इसके हर मिलीमीटर, हर माइक्रो मिलीमीटर को ध्यान से देखा है और अब आप उसे बनाते हैं। देखिए, अभी कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, ये कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में उस पत्ते या फूल या किसी भी चीज की छवि एकदम सटीक है ना? तो मन इसमें सक्षम है। अगर आप ऐसा कोई प्रभाव लेते हैं और इसमें अभिव्यक्ति करते हैं, धीरे धीरे आप इस तरह मन में ये अभ्यास करें तो ये बहुत स्थिर और शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। अब आप योग करते हैं, आप कहीं उड़कर नहीं जाते, आप सिर्फ उसे स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं। अगर ये बहुत स्थिर हो तो आप इसमें कुछ भी उतार सकते हैं। अगर ये उतना स्थिर नहीं है, फिर अगर कोई बड़ी चीज आपके पास आती है तो लोग टूट जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं जब भी बड़े अनुभव होते हैं। बहुत से लोग, अगर उनके साथ कुछ बड़ा होता है तो वो उससे डर जाते हैं, वो उससे बचने लगते हैं, वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास बहुत स्थिर दिमाग होगा तो जब भी कुछ बड़ा होगा वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा लोगों के साथ सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया और रहस्यपूर्ण आयामों में ही नहीं हो रहा, साधारण भौतिक जीवन में भी होता है। ज्यादातर मैं ये गौर करता हूं कि अगर जीवन काम करता है तो ज्यादातर लोग बहुत ही मूर्ख बन जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी दौलत और प्रभाव का अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग मूर्खतापूर्ण हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए पीछे हटना चाहते हैं क्योंकि चीजें काम करने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चीजें काम करती हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन होगा ऐसा, अगर हमारा सिस्टम तैयार नहीं है और चीजें आगे बढ़ती हैं, तो भौतिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जिस भी रूप से, अगर हम तैयार नहीं है और कोई चीज आगे बढ़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है। यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी लोगों को पीछे की ओर ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरी तैयारी और साधना नहीं है, इसलिए यह हमेशा नियंत्रित होता है। जब भी हम कोई भव्य आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करते हैं, चाहे भाव स्पंदन या समयमा में, तो वो बहुत नियंत्रित होता है। नियंत्रित मतलब वो एक जेल से ज्यादा नियंत्रित होता है। हाँ, उसे ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो लोग तमाम चीजों पर उड़ने लगेंगे, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, वो उन्हें पीछे की तरफ ले जाएगा। देखिए, ये एक सरल चीज है,
आपके शरीर, भौतिक शरीर और आपके मन के बीच एक सूक्ष्मता है कि आपके मन में जो होता है उसे उस तरह से नहीं समझा जा सकता जिस तरह हम शारीरिक गतिविधियों को समझते हैं, है ना। आपकी भावनाओं में जो होता है उसे आपकी मन की गतिविधियों की तरह तार्किक रूप से नहीं समझा जा सकता, है ना। जैसे जैसे चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं, वो तार्किक प्रक्रिया के लिए कम से कम उपलब्ध होती हैं। अगर हम इस तर्क को नहीं समझते, अगर आप हर चीज को उस तरह संभालने की कोशिश करते हैं जैसे आप भौतिक चीजों को संभालते हैं, तो इंसान मर जाएंगे। अगर आप इंसानों को भौतिक चीजों की तरह संभालने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा, है ना। क्या आप इंसानों को संभालने के लिए भौतिक नियमों में ढील नहीं देते? कोई दूर है, आप कहते हैं ठीक है 1, 2, 3, 4 लोग, लेकिन अगर वो आपके घर में है, आपके परिवार की तरह, तो क्या आप उनसे बातचीत के लिए भौतिक नियमों को रिलैक्स नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करते तो आप इस धरती पर किसी इंसान को नहीं जान पाएंगे। तो इस ढील को आगे बढ़ाना होगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके जीवन को विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को इससे मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत स्थिर तार्किक दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भ्रम की प्रक्रियाओं में भटक जाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत स्थिर शरीर और स्थिर मन कायम करते हैं तो हम आपको अतार्किक चीजों के अनुभव में ले जा सकते हैं। अगर आप इसे कायम नहीं करते, अगर हम आपको एक अतार्किक अनुभव में ले जाते हैं, उसके बाद आपकी कल्पना इस तरह भागेगी कि आप भ्रम में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि यही असली है। भ्रम असली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। असल में वो है क्योंकि वो एग्जैजरेटेड है। आनंदमय भीतरी स्थिति बनाने का फार्मूला। अगर आपको लगता है कि आपका काम महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अंदर से आप स्थिर रहे। जब आप कोई बड़ा व्यवसाय चला रहे हो तो ये व्यवसाय सिर्फ आपके बारे में नहीं होता, अक्सर ऐसे व्यवसाय से हजारों लोग जुड़े होते हैं। तो आप परिस्थितियों को जिस तरीके से संभालते हैं उसका असर सिर्फ आपकी ही नहीं, हजारों की जिंदगियों पर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जितना आपका व्यवसाय बढ़ेगा उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ेगी। अगर आपको घुड़सवार बनकर घोड़े का नियंत्रण करना हो या किसी परिस्थिति का, चाहे वो कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। अपने अंदर एक स्थिर और आनंदमय वातावरण बनाने का तरीका मैं आपको सिखा सकता हूँ। इससे जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है। कैसे? योग से। योग आपको ऐसी संभावना देता है कि अगर आप यहाँ सहजता से बैठे तो आप और आपके शरीर के बीच जरा सा फासला बन जाएगा, आप और आपके विचारों के बीच जरा सा फासला बन जाएगा, आप और आपकी दुनिया के बीच जरा सा फासला बन जाएगा। जब आप ये फासला बना लेते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आप क्या है और क्या नहीं है, उसी क्षण दुख का अंत हो जाता है। जब दुख का भय समाप्त हो जाता है, आप हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं और हर मुश्किल को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का बेहतरीन उपयोग करके सुलझा पाते हैं। ऐसे में कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। आपको जीवन में स्पष्टता चाहिए, निश्चितता नहीं। किसी भी चीज को किसी और चीज में कैसे बदले, ऐसी सोच मत रखो। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखना और समझना सीखे। ऐसा करने के लिए स्पष्टता चाहिए।
स्पष्टता के लिए आपको साफ, मेल रहित, निष्पक्ष मन की जरूरत है, जो उलझनों से दूर जागरूकता के आंचल में है। ऐसा चित हर चीज को उसके वास्तविक रूप में देख पाएगा। ऐसे में आप चाहे तो हर चीज को अपने अनुकूल बदल ले, चाहे तो उनके वास्तविक रूप में उनका आनंद ले। जीवन के सबसे बड़ी संभावनाएं उसकी अनिश्चितता ही है।